मुख्तार अंसारी, ये वो नाम है जो जरयाम की दुनिया में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन आजकल जिस तरह से मुख्तार और उनके परिवार पर कार्रवाई हो रही है, उससे जरूर सभी डरे हुए हैं। पहले इतनी जगहों पर कुर्की की कार्रवाई हो ही रही थी कि अब मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी पर प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। आपको बता दें कि विधायक अब्बास अंसारी के मकान पर पुलिस का एक नोटिस चस्पा की है। इसमें लिखा है कि अब्बास अंसारी को 1 महीने के अंदर अदालत में पेश होना है। अगर अब्बास अदालत में तय समय पर नहीं पहुंचे तो उन पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको मामले की भी याद दिला देते हैं। दरअसल अब्बास ने लखनऊ से एक असलाह खरीदा बिना कोई जानकारी दिए हुए या कोई कानूनी तरीका अपनाए हुए। अब्बास ने इसे दिल्ली ट्रांसफर करा लिया। बस इसी बात पर लखनऊ कोर्ट ने अब्बास अंसारी के खिलाफ NBW जारी कर रखा है। इसी मामले में लखनऊ पुलिस की टीम गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के दर्जी टोला पहुंची। यहां ढोल के साथ डुगडुगी पिटवा कर मुनादी कराई गई। अब्बास के मकान पर एक नोटिस चिपकाया गया जिसमें साफ लिखा था कि अब्बास को 1 महीने के अंदर कोर्ट में पेश होना है और अगर वो पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अब ये कुर्की होती भी है या नहीं, या अब्बास सरेंडर कर देते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा।